नमस्कार। अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं न्यूज एनालिसिस के इस खास सेगमेंट में। जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में व्यापम महाभारत थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यानी कि सत्तारूढ़ पार्टी के तमाम नेता भी जो हैं अब इस मसले पर अपनी बेबाकी दिखा रहे हैं। जी हाँ, इस खास सेगमेंट पर न्यूज एनालिसिस करने के लिए अब हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे श्री गोविंद मालू जी। मालू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी लाइव न्यूज के स्टूडियो में। जी, लगातार हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं, समाचार कैसे सच के जरिए विश्लेषक रूप में समाज तक पहुंचे, इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं। व्यापम के मसले पर जितना हल्ला इन दिनों मचा है, शायद ये व्यापम महाघोटाला जब उजागर हुआ था तब इतना हल्ला नहीं मच पाया। इसे विडंबना का ही विषय कहेंगे कि सिलसिलेवार ढंग से हुई मौतों के बाद ही आखिर क्यों प्रदेश की शिवराज सरकार जागी, आखिर क्यों विपक्षी दल यानी कि कांग्रेस को जो है सड़क पर मोर्चा खोलना पड़ा। गोविंद मालू जी हमारे साथ जुड़े हैं नए मेहमान के तौर पर, उनसे चर्चा करते हैं। मालू जी, यूं तो राजनीतिक जीवन में आपका लंबा एक अनुभव है, इस तरह के उतार चढ़ाव आपने कई बार सत्ता में रहते हुए देखे हैं, क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बैकफुट पर आने वाला महाघोटाला साबित होता नजर आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की मंशा, माननीय मुख्यमंत्री जी की इंटीग्रिटी, शुरू से इस व्यापम के मामले में पारदर्शिता के साथ काम करके, व्यवस्था की सड़ांध को दूर करके, व्यवस्था को चाक चौबंद करने की नीयत की रही है, और इसी के चलते उन्होंने कभी इस मामले को दबाने की कोशिश नहीं की। जबकि हमारी सरकार में उन्होंने खुद ने इसका संज्ञान लिया और वो चाहते तो इसको दबा देते, इस मामले को बाहर नहीं आने देते, विपक्षियों को मौका नहीं देते, लेकिन उन्होंने खुद ने नहीं, व्यवस्था को सुधारूंगा, चाहे हमारा मंत्री जेल में जाए, चाहे हमारे अधिकारी जेल में जाएं, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। कांग्रेस जिस ढंग की राजनीति कर रही है, मैं समझता हूं कि वो मध्य प्रदेश की एक पीढ़ी को बर्बाद करने की राजनीति कर रही है। हम पीढ़ी को सुधारने का काम कर रहे हैं, वो पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रही है। ये जो व्यवस्था की सड़ांध का काम आज से नहीं है, ये वर्षों पुराना कांग्रेस के रेजिम से चल रहा है। लेकिन लोग कहेंगे कि आप 10 साल से सत्ता में हैं, हमें इसका संज्ञान हुआ जब ये रैकेट पकड़ाया, जब इंदौर से आईजी जो आज वर्तमान के एडीजी हैं विपिन माहेश्वरी जी, उनके नेतृत्व में इसका जब भंडाफोड़ हुआ, तब मुख्यमंत्री जी ने इसको दबाया नहीं और किसी भी तरह का दबाव प्रभाव के से दूर हटकर उन्होंने इसकी बहुत ही पारदर्शिता के साथ एसटीएफ की जांच की। उसके बाद में जब कांग्रेस ने इस मामले को उठाया तो हाईकोर्ट में एसटीआई का गठन करके उसकी निगरानी में और उच्च न्यायालय की देखरेख में इसका काम और इसकी जांच का काम आगे बढ़ा। मैं समझता हूं कि इस मामले में बैकफुट के जाने का सवाल नहीं है। और जहां तक मौतों का सवाल है, ये मैं इस बात को बहुत ही इस तरीके से लेता हूं कि यदि कोई कॉलोनी अवैध कटे और उस अवैध कॉलोनी में अवैध प्लाट या अवैध बिल्डिंग बने, अवैध फ्लैट्स बने और वो लोग खरीदें और उसके बाद जब उसका जांच पड़ताल हो और वो अवैध घोषित की जाए, तो कानून ये नहीं देखता कि ये गरीब लोगों के पैसा लगा है। अवैध अवैध है, खरीदने वाला भी अवैध है, बेचने वाला भी अवैध है, कानून की नज़र में सब एक हैं। जब बुलडोजर चलेगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसको बचा लो, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कार्रवाई करो, एक तरफ कह रहे हैं बचा लो। तो कई सारी मौतों का दहशत या उनको जब फंस गए तो उसमें भी उनको ऐसा लगा, तो कुछ लोगों ने इस तरीके से वो लेकिन किसी ने हत्या की हो, सरकार ने उनको मार डाला हो, ऐसा एक वातावरण बनाया गया कि मौतें हुई, सरकार का क्या लेना देना इस मौत से। देखिए, व्यापम महा ये जो व्यापम वाले मामले में जिस तरीके से जांच चल रही है, जिस तरह व्यापम की सारी स्ट्रक्चर को ठीक किया जा रहा है और उसमें 2000 से ज़्यादा लोगों की जाँच पड़ताल चल रही है, उसमें गिरफ्तारियाँ हुई हैं, और ठीक है आपने गलती की, आपने क्यों मैनिपुलेट किया, उसके बाद में अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर उसमें जो कुछ होगा वो सरकार का, उसमें कोई मंशा नहीं, किसी ने जहर नहीं दिया, किसी ने हत्या नहीं कराई, किसी ने षड्यंत्र नहीं किया। इसलिए सरकार ने तो पहले भी कहा एसआईटी जांच करे इन मौतों की। कांग्रेस ने एक सूची जारी की, 31 लोगों की मौत हो गई, उसके बाद में वो फिर ये मौत हो गई। कांग्रेस उस बात को डाइवर्ट कर रही है, जांच को नहीं होने दे रही। और जब ये सारा वातावरण पैदा हुआ सीबीआई की बात को लेकर भी, 6 महीने पहले दिग्विजय सिंह जी कोर्ट में गए,
उच्चतम न्यायालय ने उस बात से इनकार किया, नहीं उच्च न्यायालय की निगरानी में जो जांच चल रही है वो पर्याप्त है, इसलिए सीबीआई की कोई आवश्यकता नहीं। मैं समझता हूँ कांग्रेस को केवल वितंडावाद करना है, कांग्रेस को केवल हंगामा खड़ा करना है। अब सीबीआई की जब बात, अभी जब मुख्यमंत्री जी ने, उस दिन मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीबीआई मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा सीबीआई से जांच करा लेंगे, एक पत्र दिया उच्च न्यायालय को, तो कहते हैं आपने पत्र वहां क्यों नहीं दिया केंद्र सरकार को, फिर कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय की निगरानी में क्यों नहीं। ये तो क्या बहाने हैं, उनको इसको ठीक करने की मंशा नहीं है। एक पीढ़ी पीढ़ी को बर्बाद, इस देश को एक क्राइम अगेंस्ट नेशन जो लोग कर चुके हैं वो एक और अपराध इस युवा पीढ़ी के प्रति कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मालू जी, सबसे बड़े जो सवाल हैं वो खड़े होते हैं कि आप ही की सरकार में मंत्री रहे लक्ष्मीकांत शर्मा, वो इसमें आरोपी बनाए गए, फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। प्रदेश के सबसे चर्चित खनन कारोबारी रहे सुधीर शर्मा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े आला नेताओं के इर्द गिर्द भी देखे जाते थे, वो फिलहाल आरोपी हैं और सलाखों के पीछे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो राजनीतिक कार्यशैली है उसमें कहीं ये परिलक्षित नहीं होता? आखिर क्या वजह रही जब लगातार मीडिया ट्रायल हुआ, या कहा जाए कि झाबुआ में जब नेशनल टीवी रिपोर्टर की संदिग्ध हालातों में मौत हो जाती है जैसे कि आरोप लगाए गए, उसके बाद ही शिवराज सरकार ने स्टैंड लिया, क्या वजह रही कि मुख्यमंत्री ने यह बयान मीडिया के कैमरों के समक्ष दिया कि वो रात भर सो नहीं पाए, दूसरे दिन सुबह जब उनकी नींद खुलती है तो वापस मीडिया को बुलाया जाता है और सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट को खत लिखने की जानकारी दी जाती है? आखिर ये देरी क्यों की गई? अगर वाकई में विपक्ष ने मांग की थी तो इसमें अगर आप सच्चे हैं तो दूध का दूध और पानी का पानी होने देने में आखिर देरी क्यों हुई? क्यों आखिर इतना टाइम लगाया, क्यों इतना वक्त जाया किया गया? देखिए जी, मुख्यमंत्री जी एक संवेदना से भरा व्यक्तित्व है, ये सब जानते हैं जी। और आपने खुद ने मीडिया ट्रायल का जिक्र किया, मैं समझता हूँ कि किसी भी मौत पर बिना सोचे समझे राजनीति करना या उस पर आरोप लगाना, मैं समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। कि एक निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए, दोषी दंडित होना चाहिए, लेकिन कानून भी कहता है कि दोषी भले छूट जाए लेकिन निर्दोष को दंड न मिले, ये कानून का एक फलसफा है। और मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा के जरिए इस काम को अंजाम दिया आगे तक। वो कभी किसी ने नहीं कहा कि इसको किसी ने हत्या करवाई, पत्रकार की मौत से सभी दुखी हैं, अचंभित भी हैं कि कैसे हुआ, लेकिन किन परिस्थितियों में क्या कारण रहा इसकी जांच से कभी किसी ने इनकार नहीं किया, ना कोई लीपा पोती की, ना कोई बात कि हाँ ठीक है मध्य प्रदेश में आए थे वो हमारे साथी थे और अचानक ऐसा हादसा हुआ, बड़ा दुखद हुआ, लेकिन सरकार से उसको जोड़ना ये न्याय संगत नहीं है, ये कारण है। मैं समझता हूँ कि उसकी भी मीमांसा होनी चाहिए, कभी उसकी जांच से इनकार नहीं किया, विसरा कहाँ भेजना उसकी जांच से इनकार नहीं किया, लेकिन वो इन सब बातों से उद्वेलित थे कि ये बिला वजह का मेरे सर पर आएगा, ये मौतों का मामला, पत्रकार की मौत का, ये लोग मुझे क्यों निशाना बनाए, तो बड़े उद्वेलित थे। उन्होंने इसको चिंतन किया, उन्होंने कहा राजधर्म का पालन ये है कि ठीक है अब आप, हम इतनी सब बात कर रहे हैं, हम सीबीआई को जांच सौंप रहे हैं, तो इसलिए विलंब का सवाल नहीं है जब इसका, क्योंकि जांच पर तो शंका किसी को नहीं थी ना। और जहां तक आपने उसके पहले कहा, मैं उस बात को फिर रेखांकित करूंगा कि लक्ष्मीकांत शर्मा या दूसरे लोग सरकार के अंग थे और शिवराज जी की ये यूएसपी नहीं है कि वो किसी तरह की शातिर ढंग की राजनीति, किसी तरह का ऐसा षड्यंत्रकारी राजनीति में कभी लिप्त रहे हो, इसलिए ये कहना कि वो फंसे, तो ये तो अच्छी बात है कि सरकार ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करी और किसी को नहीं बख्श रही है। आगे जो आरोपी आपको लगता है या जो रसूखदार चेहरे हैं, जो बेनकाब होना बाकी हैं, वो जरूर सरकार सामने लाएगी, ये उम्मीद की जा सकती है। जी जी जी, समझता हूँ जी, जांच प्रक्रिया के को भरमाना या उसको उसका दिशा को बदलना है। रसूखदार चेहरे हों, कम रसूखदार हों, वो नामी हों, गिरामी हों, गुंडे हों, बदमाश हों, राजनेता हो, कोई हो, मैं कहता हूं कि बार बार हम उस बात को रेखांकित क्यों करें कि रसूखदार चेहरे, रसूखदार चेहरे, अरे भाई जांच में जो होगा वो सामने आएगा, चपरासी होगा वो सामने आएगा, नेता होगा वो सामने आएगा, मंत्री होगा वो सामने आएगा। यदि मुख्यमंत्री जी को के ऊपर आरोप लगाए गए, मुख्यमंत्री जी के परिवार पर आरोप लगाए, मुख्यमंत्री जी को यदि पता होता तो मुख्यमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी ने खुद ने किया हो
होता तो मुख्यमंत्री जी क्यों आपने हाथ से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते, आप ये तो सोचिए सामान्य बुद्धि का। लेकिन सीबीआई जांच तो दबाव के बाद फैसला लिया गया, दबाव नहीं था, किसी का दबाव नहीं था, विपक्ष का दबाव था, मीडिया का दबाव था। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें मध्य प्रदेश की सरकार की इस पत्र को का उल्लेख किया गया है, उन्होंने उसमें लिखा है गुड गवर्नेंस के लिए ये कदम का हम सीबीआई को जांच सौंपी जानी चाहिए, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है। उन्होंने सुशासन की बात कही, सुशासन के लिए हम किसी भी हमारा कोई भी व्यक्ति टेंट पे लग जाए लेकिन सुशासन का जो हमारा एजेंडा है हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अगर कोई शातिर मुख्यमंत्री होता, यदि कोई ऐसा मुख्यमंत्री होता तो उसको पहली फुर्सत में दबाता, मामले को दफा दफा करता, चार लोगों पर बराए नाम कार्रवाई करता, उस व्यापम का स्वरूप बदल देता, उसकी एनाटॉमी बदलता, उसकी कार्यशैली बदलता, नए स्वरूप में प्रस्तुत कर देता और कहता कि हाँ ये हमने साफ कर दिया है। लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। यदि लक्ष्मीकांत शर्मा या पंकज त्रिवेदी या नितिन महेंद्र सरे के लोग अगर जेल में नहीं होते तो क्या कारण था कि इतना चर्चा में आता ये मुद्दा? ये था छात्रों के भविष्य के साथ, हमारी पीढ़ी के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उनको बेनकाब होना चाहिए, ये शुरू से मंशा थी। कभी भी मुख्यमंत्री जी ने न जांच एजेंसी को न किसी को मैनिपुलेट करने की बात की। इसलिए सीबीआई की जांच के लिए भी मध्य प्रदेश की सरकार ने अपने निर्णय लिया है, शिवराज जी ने अपने तय निर्णय लिया है और चलता रहता मामला, कोई कोर्ट में जाता, कोई उच्च न्यायालय में जाता, उच्चतम न्यायालय में जाता, पहले भी गए हैं, क्या होता? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इस बात को अपने सब लोगों से बात की और उन्होंने कहा कि नहीं करूंगा। बिल्कुल चलिए, उम्मीद की जा सकती है कि जो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार गुड गवर्नेंस का नारा देती है या जो भारतीय जनता पार्टी लगातार शुचिता की बात करती है वो सीबीआई जांच में जो है सामने आ जाएगा। हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर पीयूष पारे भी लगातार बने हुए हैं। पीयूष, कांग्रेस का भी पक्ष हमने सुना, लगातार कांग्रेस की तरफ से जो आरोप लगाए गए वो यहाँ पर देखे और अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू जी की खरी खरी सुनी, क्या लगता है, क्या वाकई में जो लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पर या प्रदेश की सरकार पर कहीं ना कहीं सियासी तौर पर संकट के जो बादल मंडरा रहे हैं इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्या समाज तक सच पहुंचने में सीबीआई की जो जांच का निर्णय हुआ है वो सहायक साबित होता दिखाई दे रहा है? जांच यहाँ पर सामने आई है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में सीबीआई की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वहीं अगर दूसरी ओर कांग्रेस के आरोपों की बात करें तो इस पूरे मामले में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है उसके बाद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है दिग्विजय सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की जीत है और आरोपों का सिलसिला अभी भी फिलहाल जारी है। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि पहले ही अगर शिवराज सिंह चौहान सीबीआई जांच के लिए अपनी सहमति दे देते या ऐलान कर देते तो यह नौबत नहीं आती। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो दूसरे दिग्गज नेता है वे भी शिवराज सिंह पर आरोप लगाने से चूक नहीं रहे हैं। सियासी परिदृश्य से इसको जोड़ते हैं तो कहीं न कहीं राज्यपाल राम नरेश यादव का नाम सामने आना, शिवराज सिंह चौहान पर आरोप लगना, ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए एक जो है वो संकट पैदा करते हुए जरूर यहाँ पर नजर आ रहा है। बहरहाल अब सीबीआई जांच में क्या सच आता है उसके बाद ही समझ में आएगा आगे की पूरी कहानी कि आगे किस और ये व्यापम का घोटाला किस और मुड़ता है। बिल्कुल ठीक बात है, सच जो है भविष्य के गर्त में है। मालू जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे और जानना चाहेंगे कि लगातार जो राजनीतिक माहौल बना है या प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस मुखर होती दिखाई दे रही है, कांग्रेस के महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह लगातार व्यापम के मामले में मीडिया के समक्ष अपनी बेबाकी दिखाते रहे हैं, उनके जो तमाम आरोप हैं वो ये इंगित करते हैं कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसे छुपा रही है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई में जिस तरह से आज राज्यपाल को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने तर्क रखा है, राज्यपाल राम नरेश यादव की छुट्टी होना लगभग तय माना जा रहा है, ऐसे में नहीं लगता आपको कि सियासी तौर पर कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि पर्दे के पीछे अब भी बाहर आना बाकी रह गया है? महन जी, जी जी, कांग्रेस ने जो भ्रम फैलाया है और कांग्रेस जिस सिरे से बात करके दूसरे सिरे पे जाती है, आप उसका भी विश्लेषण राजनीतिक ढंग से तटस्थ होकर करें। राम नरेश यादव भारतीय जनता पार्टी के न तो कभी कार्यकर्ता रहे, न वो नेता रहे, न राज्यपाल की नियुक्ति में के समय भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार थी। कांग्रेस तो आरोप लगाती कि उनको बचाया, हमें क्या लेना देना, हम क्यों बचाएंगे? राज्यपाल जब दूसरी सरकार आती है तो हटते हैं, दूसरे आते हैं, लेकिन राम नरेश यादव को यदि हम हटाते या हमसे इस्तीफा लेते तो कांग्रेस कहती संविधान
की भावना के साथ खिलवाड़ कर रही। आज बचाने का सवाल नहीं, जो न्याय संगत है, जो न्याय प्रणाली का हिस्सा है, वो लोग काम कर रहे हैं। हमने ना तो बचाया है ना फंसाया है, तो हम उनको तो बचाते और लक्ष्मीकांत शर्मा को फंसाते, ये तो कोई बात समझ में नहीं आती है। ये कांग्रेस का एक भ्रम फैलाने का तरीका है। और जहाँ तक जाँच का सवाल है, CBI की जाँच तो जिस दिन बात हुई, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, आज भी वो उसी बात को कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को फैसला करेगा उसकी निगरानी में होगी कि नहीं। अरे भाई, तुमको CBI की एजेंसी पर भी भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी आ जाएगी तो फिर ये नई बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय कोई एजेंसी होगी, मानवाधिकार आयोग, ये जो भी कुछ होगा उनसे कराएं। तो ये केवल इसलिए हो रहा है कि उनको मालूम है कि शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है उसके चलते मध्य प्रदेश में कांग्रेस को पांव जमाने का अवसर नहीं मिलेगा। तो सोते जागते वो ये प्रयास करते हैं किसी भी तरह इस छवि को खंडित करके इनको धराशायी किया जाए और शिवराज सिंह चौहान कल्पित है ये माहौल पैदा किया जाए। ये उनका जो असफल प्रयास है, ये उसी का नतीजा है कि कांग्रेस खुद दिग्भ्रमित भी है और इस तरह का वितंडावाद भी पैदा कर रही है। और मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के नेता सन्नीपात में है, नहीं तो कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता, कई सारे आरोप लगते रहते हैं रोज आए दिन, लेकिन कभी भी वो बड़े पद पर रहने वाला कभी मानहानि जैसा दावा लगाने का हिम्मत नहीं करता कि चलता रहता है। मीडिया के लोग भी कई बार आरोप लगाते हैं, रोज कोई मानहानि के प्रकरण में जाता है क्या? लेकिन पहला ये मौका है जब शिवराज किसी मुख्यमंत्री ने किसी लीडर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा लगाया है। ये वही कर सकता है जिसमें स्टफ है, वही कर सकता है जो मॉरली बहुत ही स्ट्रांग है, वो वही कर सकता है जिसकी आंतरिक ताकत मजबूत है, जो ये जानता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और जो गलत कर रहे हैं उनको सबक सिखाना है। ये उन्हीं का मादा हो सकता है। इसलिए इस पर विजुलाइज करने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है। केवल सतही तौर पर भावनात्मक मुद्दा उठाकर, भावनात्मक बातें करके, आप भी जानते हैं कि यदि मेरी चार पहिए की गाड़ी से किसी का कोई अगर रॉन्ग साइड आ रहा है और उसको भी टक्कर लगे और वो कुछ हो गया, मर गया, तो अपने आप लोग आएंगे कि यार तुम्हारी गलती है, तुमने किया, तुम अपराधी हो क्योंकि बड़ी गाड़ी में बैठा है वो। इसलिए ये जिस तरह की घटनाएं होती हैं उन पर पूरा आपको एक एक चीज का डिसेक्शन करना पड़ेगा, एक एक चीज पर विश्लेषण, उसको तार तार उसके माइक्रो लेवल पर जाकर उसको संतुलित, उस पर आपको रिएक्शन देना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात कही। जाहिर सी बात है, भले ही चर्चाएं क्यों ना बहुत सारी हों, एक तरफ ब्रिक्स सम्मेलन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान में अगर कोई खबर इन दिनों बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज्यादा टीवी चैनल्स का वक्त ले रही है, तो वो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की व्यापम महाभारत है। बहुत संक्षिप्त में पीयूष, जाते जाते क्या लगता है मोदी जी के दिल्ली यानी कि राजधानी आने का इंतजार भी भाजपा संगठन से जुड़े तमाम बड़े लोग कर रहे हैं? क्या लगता है जिस तरह से पिछले दिनों ललित मोदी को लेकर जो एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ था, जिससे मोदी सरकार पर कई सारी उंगलियां उठना शुरू हुई थी, बात चाहे सुषमा जी की करें या हम राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की करें, लगता है कि मध्य प्रदेश के मामले में भी मोदी जी की मुखरता या मोदी जी की जो शुचिता की भावना है वो राजधानी दिल्ली लौटने के बाद देखने सुनने? तरह से आपने कहा कि मोदी जी फिलहाल विदेश यात्रा पे हैं, लेकिन उनके लौटने का इंतजार यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो हिंदुस्तान की जनता कर रही है, बल्कि राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग भी जो है वो तमाम यही इंतजार कर रहे हैं कि अब इस पूरे मामले पर मोदी जी क्या अपनी बात रखते हैं और क्या एक्शन रहेगा। क्योंकि जिस तरह से मामला गरमाया है उसके बाद ना सिर्फ राज्य बल्कि प्रदेश बल्कि पूरे केंद्र स्तर पर भी भारतीय जनता पार्टी को हिलाकर जरूर इस मामले ने रख दिया है। तो ऐसे में अब पूरी तरह से पार्टी के जो नेता है और जो विपक्ष के नेता है खासकर, उन लोगों की नजरें भी जो है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ जो है वो जाकर टिकी हुई है। किस तरह का एक्शन होगा और वाकई में क्या मोदी जी इस मामले में कठोर निर्णय लेते हैं या फिर कोई और बीच का रास्ता इसमें सामने निकल कर आता है, तो तमाम अब जो है वो निगाहें उन पर जाकर टिकी हुई। बिल्कुल ठीक बात है। जाते जाते मालू जी, क्या कुछ वो सच है जो आप बताना चाहेंगे ताकि वो सच न्यूज के विश्लेषण या कि कहा जाए समाज चारों के विश्लेषक अंदाज में समाज तक, जनता तक पहुंच सके? वाकई में जो व्यापम को लेकर वैक्यूम क्रिएट किया गया है, या कहा जाए इसे सियासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, इसे कहां पर आपको लगता है जाकर विराम लगेगा? अब जब CBI जांच की मांग विपक्षी दल कांग्रेस कर रही थी वो पूरी हो गई है, सुप्रीम कोर्ट लगातार अब इस पूरे मामले पर अपना तर्क दे चुका है, क्या लगता है वाकई में अब मध्य प्रदेश में क्या और कुछ होना बाकी नहीं रह गया है, या व्यापम के व्यापक मामले पर ही बहस
ही एकमात्र ऐसा मसला है जो मध्य प्रदेश में अब आगे भी जारी रहने वाला है। मैं समझता हूँ कि विकास के रफ्तार को रोकने का जाल फैलाने की कोशिश जो की जा रही थी वो अब रुकेगी। सीबीआई अपना काम करेगी, वो जांच करेगी। और मेरा तो आग्रह है कांग्रेस के मित्रों से भी कि जब तक जांच चल रही है कृपा करके अपना मुंह बंद रखें। जांच जब आ जाए, उसके निकष आ जाएं, जब उसकी निष्कर्ष आ जाएं, जब उसका फैसला आ जाए, उसके बाद उस पर टीका टिप्पणी करेंगे तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होगा। हम कुछ चाहते हैं, इसीलिए हमने एसटीएफ, एसआईटी सब तरह की बात की कि दूध का दूध पानी का पानी हो, व्यवस्था ठीक हो, अपराधियों को दंड मिले और हमारे आगामी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। ये भी विकास का एक हिस्सा था, वो भी विकास का हिस्सा है। केवल भौतिक विकास नहीं, ये मानसिक, सांस्कृतिक और सभी विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता नेता प्रतिबद्ध है। और मैं फिर कहूँगा कि इस पर राजनीति करने के बजाय, किसी की मौत पर राजनीति करने के बजाय, सही दिशा में प्रदेश के विकास की राजनीति यदि आप करेंगे तो मैं समझता हूँ कि रचनात्मक विकास के लिए आपको भी याद किया जाएगा प्रदेश में। और आपको भी इस बारे में ये जनता के दिल में आप जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे। नहीं तो इस तरह की राजनीति करने वालों की जब कलई खुलेगी तो आपको लोग हिकारत की दृष्टि से, हे दृष्टि से देखेंगे कि आप ही हैं वो पीढ़ी को बर्बाद करने वाले। चलिए, अपनी वाक चातुर्यता के लिए पहचान